नथिंग का नया फोन 2A, यहाँ पे देखो 2, यहाँ पे A, ये नथिंग का पहला मिड रेंज स्मार्टफोन। इससे पहले नथिंग ने भाई 30-40 हजार रुपए का ही फोन बनाया, बट ये वाला पहली बार 25 हजार के नीचे एक स्मार्टफोन निकाला नथिंग ने। हमने नथिंग का फोन 1, फोन 2 दोनों ट्राई कर दे, बट ये आ चुका है भाई नथिंग का 2A। नथिंग का जो उन्होंने पता पहला फोन इंडिया स्पेसिफिक ज्यादा लॉन्च हुआ था, उसके बाद उन्होंने स्ट्रेटेजी दी थी कि भाई यूएस में लॉन्च करेंगे, आईफोन से कम्पीट करेंगे सारी चीजें, फिर उनको समझ में आया अब आ चुका है टाइम इंडिया में भाई बनने का, तो उन्होंने अपना नामकरण कर लिया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, काल पे जो फाउंडर है नथिंग के, उन्होंने अपना ट्विटर पे नाम भाई कर दिया है, नथिंग का नाम भी भाई कर दिया है। इसमें हम नथिंग का AI वाला फीचर भी ट्राई करेंगे। बड़े भाई बहन का नाता सही में सच है कि नहीं, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्साइटमेंट भाई काफी होगी, लेट्स गो। ओ भाई टेक्सचर्स, ओ भाई ये है नथिंग का नया फोन 2A। भाई इस बार तो एकदम ही सब कुछ गायब कर दिया, नथिंग ही कर दिया बिल्कुल। भाई इसमें बिल्ड भी हवा वाली कर दी है, मजाक कर रहे थे हम, टेस्ट कर चुके फोन को। वेलकम टू नथिंग। नथिंग की केबल है भाई, काफी प्यारी सी है ये, कुछ खाली खाली सा लग रहा है, कोई कवर नहीं है, कोई चार्जर नहीं है, थोड़ा सा सूना सूना लग रहा है। ओ भाई ये सिम इजेक्टर टूल, अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग तो लग रहा है। फाइनली टाइम आ चुका, हम चेक कर लेंगे ये फोन भाई कहलाने के लायक भी है कि नहीं। ओ एक मिड रेंज फोन के हिसाब से अनबॉक्सिंग काफी इंटरेस्टिंग है। ओ ओ भाई ये क्या बना दिया, ओए मुझे देख रहा है ये, भाई आपको भी देख रहा ना ये, ये देखो आंखों से आंखों मिला लो भाई, भाई एलियन लग रहा है। मिनियन वाली पिक्चर से मैंने मिनियन उठाया, इसको अगर मैं ब्लैक एंड व्हाइट करूँ और फिर इसके सामने अगर ये फोन दिखा दूँ, दोस्तों समझ गए डिजाइनर रहा है। ये डिजाइन ऐसा है, मैं इसको अच्छा बुरा नहीं बोल सकता, बहुत ज्यादा अजीब है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मेरे को यूनिक चीजें काफी पसंद आती है, तो मेरे को अच्छा लगा ये डिजाइन। एक उल्टा एस टाइप पैटर्न बना रखा है, यहाँ पूरा सर्कुलर है और मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ी थोड़ी लाइट्स लगा रखी है, यहाँ पे थोड़ा सा एक रेड स्पॉट है, नीचे की तरफ नथिंग लिखा हुआ है। मैं सही बताता हूँ, काल पे जी भाई क्यों बन गए और नथिंग भी भाई क्यों बन गया। इस टाइम पे स्मार्टफोन मार्केट सबसे ज्यादा तेज है, इंडिया में ही ग्रो कर रही है, एंड इसीलिए नथिंग ने डिसाइड करा कि भाई इंडिया को पूरा फोकस देना पड़ेगा। खाली नथिंग नहीं, भाई सारी कंपनीज पूरे दुनिया की, एप्पल सैमसंग जो भी है, आपके कहने पे चल रही है। जिस फोन को आप खरीद लोगे उस फोन को आप भगवान बना सकते हो, और जिस फोन को आप मना कर दोगे वो फोन टाटा वाइब हो जाओ। सेम हमारे लिए भी है कि अगर आप हमारी वीडियो जब तक आप हमारे लिए देख रहे हो तब तक हम आपके लिए बनाते रहेंगे, जब तक जब आपने टाटा बाय बाय कर दिया तो दोस्तों लव यू। बट ये वाला फोन भाई डेफिनेटली काफी प्यारा है, यहाँ पे एक माइक का स्लॉट है, बैक साइड में आपको काफी सारे स्क्रूज दिख जाते हैं, जो बिल्ड है पूरी एक मैट ब्लैक फिनिश में आपको देखने मिलते हैं। इसके अंदर एक ब्लैक वाला वेरिएंट है और एक व्हाइट वाला वेरिएंट है, जो व्हाइट वाला वेरिएंट है वो मेरे को थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। इसके अंदर जो रेड कलर है वो काफी कूल सा दिख रहा है, एंड इसके अलावा जो टेक्स्ट लिखा है नथिंग लिख रहा है वो काफी अलग सा लग रखा है, बिल्कुल ही सेम बैक पूरी ऐसे ट्रांसपेरेंट सी है, बट इसमें जो पावर बटन है उसमें हल्का सा एक्सेंट दे रखा है ब्लैक कलर का, एंड वॉल्यूम बटन भी ब्लैक है। मेरे को पर्सनली अगर पिक करना तो मेरे को व्हाइट वाला ज्यादा इंटरेस्ट, क्योंकि इसमें थोड़े कलर्स और टेक्सचर्स भी ऊपर जैसे मेटालिक है ये काफी अलग सा दिख रहा है, इसमें पता भी नहीं चल रहा ऊपर मेटल। बैक साइड से भी पूरा प्लास्टिक है, साइड से भी जो पूरा फ्रेम है पूरा प्लास्टिक है। इस प्राइस पॉइंट पे ऐसे ग्लास बैक साइड में आ जाता है एंड वो डेफिनेटली प्रीमियम फील होता है, बट ये डिजाइन भी प्रीमियम तो नहीं बोल सकते, सस्ता भी नहीं लग रहा है, बट डेफिनेटली भाई काफी इंटरेस्टिंग है। हाथ में पकड़ने में फोन थोड़ा सा लंबा सा लग रहा है, क्योंकि यूजुअली मैं पकड़ता हूं ना तो मेरे अंगूठे के थोड़ा सा ऊपर तक ये फोन खत्म हो जाते हैं, बड़े काफी लंबा सा ऐसे रेक्टेंगुलर सा बना रखा है। बट अब नथिंग अपने डिजाइन और सॉफ्टवेयर के अंदर काफी कूल कूल चीजें डालता है, जिसकी वजह से भाई मुझे भी पर्सनली काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं प्रोडक्ट्स, एंड कुछ अलग समझ। जैसे बहुत नॉर्मल सी चीज बताता हूं कि हमने कितने सारे फोन देखे, इस फोन को बस अगर आप पलट के रख दो तो ये ऐसे टिक 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 बजता है फिर साइलेंट हो जाता है। समझ लो मीटिंग में आपको कॉल आ रही है, आप ऐसे पलट के रख दिया आपने, ऐसे नॉर्मल रखा तो नॉर्मल है। ये बहुत छोटी चीज है बट एक्चुअल काम बहुत आता है। ओह एक चीज रह गई, भाई प्यारा तो लग रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है। इसमें जैसे आप वॉलपेपर भी देख सकते हो, एक क्लॉक का भी ऐसे चेंज होता है कि अभी ट्रांसपेरेंट हो जाती है, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है, फिर ऐसे कलर में आ जाती है। यहाँ पे हमने फोटो लगा रखी है, इसको भी आप स्क्रॉल कर सकते हो, बट जो एनिमेशन हैं काफी स्मूथ है। यहाँ पे भाई हमने QR कोड वाला लगाया, तो आप ऐसे ही डायरेक्ट स्कैन करो पेटीएम एंड डायरेक्ट पे करो, क्योंकि भाई की कंपनी है पैसा खुकू पूरा ऐसे कस्टमाइज हो जाता है, यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हो। एंड नथिंग की स्पेशलिटी मैं बोलूंगा जो एक्सपीरियंस देते हैं, कलर से, साउंड से, डिजाइन से, एनिमेशन से, उससे ज्यादा ऐसा फील आता है। जैसे जो आवाज है, ये देखो आवाज सुनाता हूँ, देखो स्क्रीनशॉट की,
अलग सा लगता है यार। ऐसी लॉग भी अगर आप करोगे, जैसे नथिंग का ये अपना ओरिजिनल फॉन्ट है ना, उसी फॉन्ट में इन्होंने यहाँ पे डेट वेट भी लिखी है। फिर उसके अलावा काफी सारे विजेट्स हैं, जैसे स्क्रीन टाइम का विजेट है, आपको वाईफाई ऑन ऑफ करना है, यहाँ से आप डायरेक्टली होम स्क्रीन से कर सकते हो। आइकन्स भी हल्के से बड़े हैं, सारे गोल गोल टाइप है। इसमें अगर आप कस्टमाइजेशन में जाओगे काफी सारे ऑप्शन है, जैसे अगर मैं वॉलपेपर सेलेक्ट करता हूँ तो इसमें एक तो मैं स्क्रॉलिंग बंद बंद कर सकता हूँ, बट जैसे मैं सेट करता हूँ तो इसमें नथिंग का एक ऐसे ग्लास वाला फीचर आता है, ये लाइन लाइन बनाया था पूरा उस पर। एंड एक एटमोसफेयर वाला फीचर है कि अंदर जाके ऐसे एनिमेट सा होगा, मैं दिखाता हूँ, बाहर ऐसा खुला खुला रहेगा जैसे आपने खोला, जैसे घूम के ऐसा हो जाएगा। और भी क्वेश्चन उन्होंने करी है, वॉलपेपर स्टूडियो में एआई वाले वॉलपेपर है, बट वो काम नहीं कर रहे। कलर्स के हिसाब से भी आपको वॉलपेपर सेट करना हो वो भी कर सकते हो। नथिंग के फोन्स में कैमरा थोड़ा पीछे रहा था, तो इसकी अच्छे से हमको टेस्टिंग करनी पड़ेगी भाई, क्या इसमें ये बीच में दो बिंदियां लगाई, इसमें कैमरे में कुछ नया करा है कि नहीं करा है। बट एक काफी कूल फीचर जो नथिंग के सारे फोन्स के अंदर आता है और सारी चीजों में ऐड करने की कोशिश करते हैं, वो है ये लाइटें। यहाँ पे एक ग्लिफ वाला इंटरफेस ये ऐड कर रखा है, जिसमें आप अगर रिंगटोन्स में जाओगे तो आप अलग अलग रिंगटोन्स इसमें सेट कर सकते। भाई बड़ी प्यारी सी आवाज आती है यार, अलग अलग सुनाता हूँ। नीचे नीचे की साइड बिल्कुल लाइट आइटे वाला कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि उनको थोड़ा बैलेंस करना था भाई, सस्ते में बना रहे हैं तो उस लाइट आइटे भी थोड़ी कम लगा दी। एंड बैटरी भी लाइटों में थोड़ी बहुत खर्च तो होती है भाई। वॉल्यूम भी अगर आप अप डाउन करोगे ना तो वो भी दिखाता है इसमें, देखो पीछे की तरफ से ऐसे पड़े पड़े वॉल्यूम अप कर दी, डाउन कर दी। 10 अलग अलग रिंगटोन्स बना रखे हैं एंड इसमें सब में काफी इंटरेस्टिंग सा पैटर्न होता है। एंड ऐसा नहीं है कि खाली लाइट जल रही, एक अलग सी ना वाइब्रेशन भी आती है सब में, तो बहुत ही कूल सा एक फीचर लगता है, क्योंकि मतलब मजा सा आता है। आप अलग अलग कॉन्टैक्ट्स के लिए अलग अलग रिंगटोन्स लगा सकते हो, तो अलग अलग वो बजेगा, अलग अलग लाइटें वाइटें चलेंगे, अलग अलग वाइब्रेशंस भी होंगी। एंड क्योंकि पूरा ऑप्टिमाइज हो गया है इंटरफेस, तो इसकी वजह से थोड़ा सा बेटर भी है। अगर आपने ऊबर से कैब ऑर्डर करी है तो उसका टाइमर इसके ऊपर दिखाएगा, जोमेटो से आपने खाना ऑर्डर कर दिया तो उसका भी इस पे उसके ऊपर टाइमर दिखाता रहेगा, तो आपको पड़ा है तो आपको पता चलता रहेगा, मीटिंग के बीच में खाने की आपको पता चलता रहेगा भाई कितना टाइम बचा है मेरे लंच ब्रेक में। इसमें एक कंपोजर भी है जिसमें हमारे प्यारे डीजे राजेश जी आपको गाना बजाना सिखाएंगे। खाना है मुझे खाना और गाना है सबके लिए आज बजाना। बट इसमें ना तीन चार है, ये एक स्वीडिश हाउस माफिया है, एक मॉडर्न वाला है, जैसे इसमें अलग आवाज आई मॉडर्न, इसमें थोड़ा सा बांसुरी टाइप थोड़ी आवाज आती है वाइब सी, इसमें ड्रम्स। मैं बताता हूँ, देखो नथिंग ने क्या करा, उन्होंने देखा कि भाई प्रोसेसर नया ऐड कर सकते हैं, कैमरा नया ऐड कर सकते हैं, बट लाइटें चला दो अलग में जाएगा ना। विडजेट में है भाई, हर चीज का विडजेट काफी कूल सा है। ये देखो यहाँ पे ना कैमरे का विडजेट देखो कैसा लग रहा है, इसमें आपको लेबल रोड टिप करना है, कुछ चेंज कर दो, मोड फोटो वीडियो, तो बेसिकली जो जो आप सेटिंग सेलेक्ट करोगे उनके साथ ही आपका कैमरा खुलेगा। क्लॉक को ऐड करने के तीन तीन तरीके हैं, देखो जो लोग वास्तु करते हैं उनको अपनी होम स्क्रीन पे आ जाएगा ये, तो वो ये पेडोमीटर कितना आपने चला, देखो समझ लो आपको छुप छुप के रिकॉर्डिंग करनी, ठीक है, आपने कहे हेलो भाई क्या हाल चाल व्हाट इज अप, ऐसे बटन दबाया रिकॉर्डिंग, इसमें रिकॉर्डिंग ऑन चालू हुई। इसमें फोल्डर का आपने आइकन का जो स्टाइल है उसमें आपने गेम लगा दिया, ये देखो ठीक है, इसमें गेम ऐसे खुल जाएगा। जैसे रिकॉर्डिंग की ऐप है इसमें भी अलग अलग भाई वॉइस फोकस करके रिकॉर्डिंग होगी, और जैसे जो एनिमेशन भी है ना ये भी थोड़ा सा अलग सा लग रहा है, इसमें आप देखो ना थोड़ी सी नॉइज सी आपको दिखेगी। डिस्प्ले कैमरा परफॉर्मेंस सारी चीजें अच्छे से टेस्ट कर दें, मेरे को चेक भी करना भाई मिनियन वाली आंखों में कितना दम है। डिस्प्ले 6.7 इंच का, इक्वल बेजल्स हैं चारों तरफ, डिसेंट अमाउंट ऑफ बेजल्स हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है। एक 120 हर्ट्ज का ओएलईडी डिस्प्ले इसके अंदर ऐड कर रखा है, एक पूरा ही एचडीआर डिस्प्ले। एंड नथिंग ने अपने ओएस को भी काफी ऑप्टिमाइज करा है, काफी स्टॉक वाला यूआई इसमें ऐड कर रखा है। एक चीज और मैं ना कैमरे में नोटिस करी, कैमरे तो दो ही है बट इसका फ्लैश काफी छोटा सा लग रहा है, छोटी आ गई बट बहुत खासा है भाई फ्लैश। और ग्लिफ इंटरफेस को आप वीडियो बनाते टाइम ना ऐसे ऑन भी कर सकते हो, तो आपकी अगर एकदम अंधेरे में ऑन करो तो काफी एक अच्छा सा सॉफ्ट सी लाइट आ जाती है। अगर मैं देखो ये ऑन कर दूं, ये देखो अभी सॉफ्ट सी लाइट आ रही है टॉर्च से। एक दो चीजें और अगर आप नोटिस करो, इसमें लिखा एरोप्लेन मोड, AERO, वैसे हम तो एयरप्लेन मोड बोलते हैं ना, ये जो वर्ड्स है ना इससे असली सच पता चल जाता है कि अंदर से काल भैया भाई नहीं है, वो यूके के भाई हैं, एरोप्लेन यूके में बोलते हैं। एक और काफी इंटरेस्टिंग चीज, इन्होंने चैट जीपीटी वाला एक इंटीग्रेशन दे रखा है, यहाँ पे ऐसे क्लिक करोगे ना तो गूगल असिस्टेंट की जगह से चैट जीपीटी वाला कुछ होता है। छोले भटूरे कहाँ मिलेंगे? छोले भटूरे आप भारतीय रेस्तरां दुकानों या छोले भटूरे की दुकानों में मिल सकते हैं। चंद्रमा के पास जाना है कैसे जाएं? टाइम थोड़ा लेता है यार। आप गूगल मैप्स या दूसरी नक्शे सरोस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यार एक बात बताओ, मैं ना सुबह शाम घूमता रहता हूँ, टाइम नहीं मिलता है, दिन परेशान रहता है, एंग्जाइटी रहती है, थोड़ा खाना आना भी सही से नहीं हो पा रहा, अब मैं क्या करूँ ऐसा कि मेरा जीवन मस्त हो जाए?
और काफी लंबा क्वेश्चन पूछा मैंने। यूजुअली गूगल इतने लंबे सेंटेंसेस नहीं समझ पाता, चैट जीपीटी देखते हैं भाई लंबे सेंटेंसेस का क्या करता है। दिन भर के इस भाग दौड़ में समय निकालना और संतुलित जीवन जीना महत्वपूर्ण है। समय का प्रबंधन, भोजन, व्यायाम, सोने का समय, बहुत नेक्स्ट लेवल है। इतने लंबे लंबे सेंटेंसेस मैंने पूरे एक्सप्लेन करा और एकदम फ्लुएंट हिंदी में जैसे आपसे बात करता हूँ वैसे बोला मैंने, एंड इसने समझ दिया और काफी विस्तार से आंसर दिया भाई, अच्छा खासा लंबा। ये बेसिकली एआई वाला चैट असिस्टेंट है, हाँ भाई डेफिनेटली काफी सॉलिड लगा। ये अभी बस फीचर हमने ट्राई करा भाई, इसमें तो एआई आ रहा है फीचर दो तीन, बट आपकी लाइफ में एआई आना चाहिए भाई। आपकी लाइफ में एआई को उतारने के लिए हम काफी स्पेशल चीज ला रहे हैं आपके पास, 10 मार्च को आएगी, काफी प्यारा सा दिन मजा आएगा। मेरे को भी एक्साइटमेंट भी है, नर्वसनेस भी, जल्दी भी लगी। विडजेट्स को ऐड करना, थोड़ी बहुत रिंगटोन्स ऐड करना, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती। इसमें नथिंग ने काफी बढ़िया कर रखा, बट एक पूरा गेम मोड क्रिएट करना या फिर कैमरे के अंदर ऑप्टिमाइजेशन करना, उन सबको अच्छे से नहीं करा हुआ है। और मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें दो कैमरे है, एक प्राइमरी 50 मेगापिक्सल एंड एक अल्ट्रा वाइड वो भी 50 मेगापिक्सल। यूजुअली इस प्राइस पॉइंट में 8-8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल आता है, बट भाई हम टेस्ट भी कर लेते हैं। सबसे पहले भाई एक वाइड में फोटो खींचते, भाई थोड़ा ना कांच टूटने वाली है भाई, वेंगी भाई की भी खींच लेते भाई फोटो। वेंगी भाई व्हाट इज अप, ये हमने वाइड में फोटो ली है। सबसे पहली चीज आप नोटिस करोगे वाइड वाली फोटो में वेंकी भाई का चेहरा फोकस में नहीं है, पीछे वाली चेयर फोकस में। एंड इसमें अगर चेहरे में देखोगे तो काफी एक रेडिश सी टोन है, एंड सेम चेहरा इसमें देखोगे तो काफी येलोइश सी टोन है। इसमें भी अगर आप डिटेल देखो तो भाई चेहरा काफी सॉफ्ट सा कर रखा है, एंड दाढ़ी में भी एक्चुअल बाल नहीं दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भाई फोटो को ना सॉफ्ट कर दिया गया। ये वाली फोटो हमने खींची है, इसमें कलर्स अच्छे हैं, इसमें भाई डिटेल भी डिसेंट लग रही है, बट वाइड एंगल भाई डिटेल डेफिनेटली थोड़ी कम फील होती है। हमने अलग अलग सिचुएशंस में फोटो खींच के देखी, जैसे इसमें भी जब हमने नॉर्मल से खींचा तो भाई काफी डिफरेंट फोटो आई, एंड सेम वाइड हमने खींचा तो इसमें भी आउट ऑफ फोकस पूरी फोटो है। इसमें अगर आप देखो वेंकी की जो टी शर्ट है उसका कलर भी ऐसे ग्रेडियंट में कर दिया, बट एक्चुअल टी शर्ट में कलर कोई ग्रेडियंट नहीं है। जैसे इस वाली फोटो में देख सकते हो ये एक्चुअल इसका नेचुरल कलर था उसका टी शर्ट का, बट काफी सारी फोटोज में जैसे इसमें भी आपको थोड़ा सा पर्पल सा दिखेगा, इसमें पूरा ही पर्पल कर दिया है टी शर्ट को। एंड हमने लाइट के अगेंस्ट भी खींच के देखा तो काफी थोड़े से ऐसे इसके आउटर बाउंड्री में ना थोड़े से आर्टिफैक्ट्स आ रहे थे, एंड थोड़ा सा आर्टिफिशियल सा लगता है अगर आप लाइट के अगेंस्ट फोटोज खींचोगे। एंड सेम चीज ना मेरे को आउटडोर भी फील हुई, ऐसा लग रहा है अब जैसे ना चेहरे पे कुछ मुल्तानी मिट्टी टाइप कुछ लगा रखा है, बट एक्चुअल आरएफआई का ऐसा चेहरा है नहीं। जैसे अब मैं अलग अलग फोटो दिखाता हूं, ये सेम फोटो सेम लाइटिंग के अंदर, इसमें भी चेहरे पे फोकस अच्छे से नहीं है, पर इसमें चेहरे को जबरदस्ती गोरा कर रखा है लेफ्ट साइड से, एंड इसमें चेहरे को थोड़ा ज्यादा काला कर रखा है। ये वाली फोटो अच्छी है, इसमें भी थोड़ा सा फेस पे टचिंग वचिंग हो रखी है, बट ओवरऑल फोटो डिसेंट आ गई है। एक दो सेल्फी हम भी खींच लेते भाई, सेल्फी में डिटेल ओके ओके है, बट भाई कलर्स में एक मेजर इशू है। अब देखो मैंने सेम दो फोटो ली हैं, इसमें अगर मैं चेहरे का कलर देखो आप थोड़ा येलो येलो दिख रहा है, इसमें मेरे चेहरे का कलर देखो रेड रेड दिख रहा है। OIS भी नहीं है इस वाले कैमरे के अंदर जो इस प्राइस पॉइंट पे आपको यूजुअली मिल जाता है। और भी जैसे अगर इसमें मोड जोड़ देखो तो इसमें बहुत बेसिक एक एक्सपर्ट मोड है, पैनोरामा मोड है। इस प्राइस पॉइंट पे आपको बहुत सारे फोन्स मिल जाते हैं जिनके अंदर आपको सिनेमैटिक वीडियो मिल जाती है, अलग अलग टाइप के मोड्स मिल जाते हैं, इवन वीडियो में भी प्रो मोड मिल जाता है आपको किसी किसी में। बट मेरे को ऐसा लगा चलो ठीक है ज़्यादा मोड्स वोड्स तो अलग की चीज़ है, बट जो बेसिक कलर्स आ रहे हैं फोटो के अंदर वो भी इस फोन में सही नहीं लग रहे। वीडियो एक बना के दिखाता हूँ। हेलो भाई ये है 4K 30 FPS वाली वीडियो, इसमें स्टेबलाइजेशन भी आप थोड़ी सी चेक कर सकते हो। भाई कैमरे में दिखने में 50 मेगापिक्सल आपको दो सेंसर लगेंगे। वैसे नॉर्मली अगर आप परफॉर्मेंस देखो काफी तक स्मूथ है, कहीं पे भी लैग या डिले नहीं फील हुआ, नथिंग ने काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज कर रखा है, और हमने जितना भी यूज करा काफी हद तक स्टेबल एक एक्सपीरियंस हमको देखने को मिला। इसके अंदर मीडियाटेक का 7200 प्रो प्रोसेसर मिल जाता है देखने के लिए, जो इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से एक अच्छा प्रोसेसर आप बोल सकते। 20,000 जब आप जैसे क्रॉस करते हो ज्यादातर प्रोसेसर अच्छी परफॉर्मेंस ही आपको देते हैं, ज्यादा फर्क इससे आता है कि भाई कौन सा प्रोसेसर ऑप्टिमाइज ज्यादा अच्छा है, उसी की चेकिंग करनी पड़ती है भाई गेम वेम खेल के। लेट्स गो भाई, इसमें ना गेम मोड है बट गेम मोड में कुछ नहीं है, गेम मोड में FPS दिख जाती है एंड गेम मोड में रिकॉर्डिंग हो जाती है। भाई इसमें ना एक चीज काफी कूल है, गेम के टाइम पे ये लाइट लाइटें जलती रहती है बैक साइड। इसमें एक थोड़े से ना बग्स भी है, जैसे मैंने जो कंपास का विडजेट सेट कर रखा है ना होम स्क्रीन के ऊपर, विडजेट अभी भी काम कर रहा है, तो मैं ऐसे फोन रोटेट कर रहा हूँ ना तो वाइब्रेट कर रहा है फोन, और कंपास वो विडजेट जितने हैं ना आपके बैकग्राउंड में चलते रहेंगे बैटरी खाएंगे। जैसे अगर मैं ऐसे गोली चला रहा हूँ ना, ये देखो यहाँ पे जैसे गोलियां चल रही हैं ऐसे ये लाइटें चल रही है बैकग्राउंड में। भाई एक तो किल पे दी, गेम वैसे HDR पे अल्ट्रा पे चल रही थी
गेम का एक्सपीरियंस बढ़िया था, बट भाई गेम मोड और काफी सारी और भी जो ऑप्टिमाइजेशन होते हैं उससे भी काफी हेल्प होती है। उसके अलावा एक्सपीरियंस मेरे को सही लगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं लगी, कहीं पे भी चैलेंज नहीं आया परफॉर्मेंस। मेरे को ऐसा फील हुआ कि ना बहुत मतलब ऐसे दिखाने वाली चीजों पे मेहनत करी है, जैसे विडजेट्स हैं, कस्टमाइजेशन है, वॉलपेपर्स हैं, लाइट्स हैं, बट जो कोर परफॉर्मेंस वाली चीजें जैसे गेम मोड है या फिर स्मूथ पे 90 FPS होना BGMI के अंदर या फिर थोड़े परफॉर्मेंस के ट्वीक्स होना, काफी सारी कंपनीज इंजन्स डेवलप कर रही हैं AI से परफॉर्मेंस वाली चीजें इंप्रूव कर रही हैं, एप्स बैकग्राउंड में चल रही, वैसा कुछ भी इसके अंदर ऐड नहीं कर रखा। अच्छा एक साल पहले वो सारी चीजें मतलब हाँ एक एड ऑन होती थी, बट अब ना उन सब चीजों की आदत लगने लगी है। जैसे जैसे मैं यूज कर रहा हूँ भाई सॉफ्टवेयर वाली चीजों की भाई जरूरत लगती है। ऑल्दो काफी स्लिम ट्रिम है, बट इसके अंदर 5000 mAh बैटरी है, 45 W की चार्जिंग है, जो मतलब ओके फास्ट चार्जिंग आप बोल सकते हो, बट चार्जर आता नहीं डब्बे में, तो उसकी कॉस्ट आप अलग से लगा लेना, 2500 का आपका चार्जर आता है। बट ऑल्दो 5000 mAh बैटरी है, और आपने होम स्क्रीन पे 4-5 widgets लगा लिए और आपने ग्लिफ इंटरफेस की सारी चीजें वाइब्रेशन सब ऑन रखा है, तो बैटरी डेफिनेटली भाई थोड़ी जल्दी खर्च होती है। आपको 4500-4600 mAh वाली बैटरी फील होगी अगर आपने सारी चीजें ऑन कर रखी है, बट ओवरऑल एक दिन चल जाता तो आपको ज्यादा चैलेंज नहीं आएगा। भाई जब डिजाइन की बात आती है, जब एक्सपीरियंस की बात आती है, वाइब्रेशन, साउंड, छोटी छोटी चीजें, थोड़े थोड़े विजुअल जैसे ट्वीक्स, इन सब में नथिंग डेफिनेटली काफी सॉलिड काम कर रहा है। बट अगर आप पूरे पैकेज की तरह देखोगे, जहां पे आप कोर परफॉर्मेंस देखोगे, कोर कैमरा देखोगे, जो आप काफी सॉलिड लेवल है काफी सारे फोन्स का, तो परफॉर्मेंस में थोड़ा सा पीछे रह जाता है, बट कैमरे में सॉफ्टवेयर में हम सबको आदत हो चुकी है भाई इतने सारे फीचर्स की, सिनेमैटिक मोड्स, प्रोफेशनल मोड्स, बहुत सारी चीजों की, वो सब एक्सपीरियंस आपको इसमें डेफिनेटली लैकिंग मिलेगा। इसका प्राइस 23,999 है, बट ऑफर आके 20,000 के अराउंड पड़ रहा है। अगर आपको इस टाइप का डिजाइन पसंद है, अगर आपको थोड़ा शो ऑफ करना पसंद है, थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग सा एक्सपीरियंस आपको चाहिए, तो डेफिनेटली भाई आपको काफी ज्यादा मजा आएगा इस वाले स्मार्टफोन में। चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर।